बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, अब इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म बॉर्डर टू की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर टू एक ऐसी फिल्म है जो जब भी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली है। जिस फिल्म में हमें सनी देओल एक बार फिर से फौजी के अवतार में देखने को मिलेंगे। पिछले दिनों बॉर्डर टू का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था, उसके साथ में पता चला था कि फिल्म रिलीज होगी 26 जनवरी 2026 में और फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं अनुराग सिंह, जो इससे पहले बॉलीवुड में केसरी जैसी एक शानदार फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन आप सब जानते हैं यहाँ पर बॉर्डर सीरीज एक मल्टी स्टारर फिल्म है, जिस फिल्म के पहले पार्ट में सनी देओल के अलावा कई दमदार एक्टर्स हमें देखने को मिले थे। तो सबका सवाल यही था कि बॉर्डर टू में कौन कौन होगा सनी पाजी के अलावा। पिछले दिनों खबर आई थी कि इस फिल्म में सनी देओल के साथ में पंजाबी एक्टर दिलजीत दोजांस, साथ ही साथ बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबके लिए एक बड़ी खबर है कि बहुत ही जल्द अगले महीने यहाँ पर बॉर्डर टू के जो मेकर्स हैं ऑफिशियली एक बड़ा इवेंट रखने वाले हैं, जहां पर ये इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को फुल तरीके से कॉस्ट्यूम के साथ में रिवील करेंगे। हालांकि सनी पाजी का क्या कैरेक्टर है वो तो हम सबको पता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट भी काफी तगड़ी हो, क्योंकि अगर फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी होगी तो इतना तो पक्का है कि सनी देओल बॉर्डर के जरिए इंडियन बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। हालांकि आपको क्या लगता है बॉर्डर टू बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।